हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत और आज मैं गर्भावस्था में होने वाली त्वचा में जो परिवर्तन आती है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो प्रेगनेंसी में जो त्वचा में चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो से पता करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, चार पार्ट सीरीज़ का। बाकी पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि गर्भावस्था में अगर कोई चमड़ी की बीमारियाँ होती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसका कैसे इलाज करना है, और गर्भावस्था में जो भी त्वचा के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे थर्ड पार्ट में। और फोर्थ पार्ट में हम स्ट्रेच मार्क्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं त्वचा और बालों से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे विषय में वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रेगनेंसी हर महिला के लिए बहुत अनोखा एक्सपीरियंस होता है, बहुत यूनिक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। हालांकि काफ़ी महिलाओं के पास सहेलियाँ और रिश्तेदार होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं इस टाइम पे और बताते हैं कि क्या क्या करनी चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी त्वचा में जो परिवर्तन आते हैं उसको लेकर कई बार महिलाएं परेशान हो जाते हैं। तो हम वो सामान्य परिवर्तन जो आता है त्वचा में उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या किस किस चीज़ की आप अपेक्षा रख सकते कि वो हो सकता है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं सारा जो त्वचा में चेंजेस आते हैं, त्वचा में परिवर्तन आते हैं, बालों में परिवर्तन आते हैं, नाखून में परिवर्तन आते हैं उसके बारे में बात करूँगी। तो त्वचा में परिवर्तन 90% महिलाओं जो गर्भ है उनमें देखा जाता है। तो 90% महिलाओं में कुछ ना कुछ त्वचा में परिवर्तन देखा जाता है। तो इसीलिए समझना ज़रूरी होता है कि क्या क्या परिवर्तन या चेंजेस नॉर्मल है। तो पहली तो जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं वो है डार्कनिंग, मतलब कि काला पड़ जाना। तो पूरा त्वचा काला पड़ जाना वो देखा जाता है। ये क्योंकि हार्मोन की चेंजेस की वजह से और ऐसे तत्व बन रहे हैं हमारे बॉडी में जो ये कलर बनाने वाले सेल्स को और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है ताकि वो और ज़्यादा रंग बनाए, इसकी वजह से काला पड़ जाते हैं। तो ये कालापन पूरे शरीर में हो सकता है या किसी किसी जगह में, जैसे कि नाभि के नीचे एक लाइन बन सकती है जिसको हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, और ब्रेस्ट के आसपास आपको कालापन दिख सकता है, या ये कालापन ऐसी जगह पे ज़्यादा दिखता है जो पहले से ही थोड़ा काला है, जैसे कि बगल के भाग, जांघों की एरिया में और स्तन के नीचे जहाँ पे लोगों के थोड़े से काले होते हैं वो एरिया और ज़्यादा काले लगने लगते हैं। और अगर आपके तिल है और चेहरे में फ्रेकल्स है तो वो भी थोड़े काले पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। और अगर आपके शरीर में कुछ तिल है तो वो भी थोड़े ज़्यादा काले पड़ सकते हैं। और अगर पहले आपका सिजेरियन से डिलीवरी हुआ है तो जो सिजेरियन का मार्क है, स्कार है, वो भी और ज़्यादा काला दिख सकता है और कभी कभी मोटा भी हो जाता है। तो ये भी डिलीवरी के बाद नॉर्मल में आ जाएंगे। और कभी कभी सिर्फ किसी किसी हिस्से में ही कालापन दिखता है और वो लाइंस की तरह दिखता है, लंबी लकीर की तरह, जैसे कि मैंने पहले बोला नाभि के नीचे, या कभी कभी थाइस के अंदर के भाग में, आर्म्स के अंदर के भाग में लाइन की तरह दिखा जाता है, लकीर की तरह लंबा काला लकीर हो जाता है, वैसे भी देखा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये जब गर्भावस्था ख़त्म हो जाती है तो फिर ये धीरे धीरे अपना कलर वापस आने लगता है और ये कालापन धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे कालापन होना पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप देख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। और काफ़ी सारे महिलाओं में, जैसे कि 40 से 70% महिलाओं में झाइयाँ भी हो सकती है इस दौरान। तो ये झाइयाँ जो है वो हो सकते हैं आपके गालों के ऊपर, आपके माथे के ऊपर और होठों के ऊपर, ऐसी जगह पे काले धब्बे देख सकते हैं। तो ये भी प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा जाता है। इसीलिए जब आप गर्भावस्था में हो तब भी सनस्क्रीन लगाना और धूप से बचना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि ये काले धब्बे और ज़्यादा ना बढ़े। मुहासे भी देखे जाते हैं इन महिलाओं में,
तो कभी कभी जिनके ऑलरेडी पहले से ही मुहासे हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, या किसी किसी महिलाओं में तो पहली बार मुहासे उनके चेहरे में गर्भ होने के बाद ही होता है, तो ऐसे भी देखा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं चेहरे में, जो तेल बनाता है, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है तेल बनाने के लिए, इसीलिए चेहरे में मुहासे दिखते हैं। तो जो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी का ग्लो, जो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो निखार आता है चेहरे में, वो इसी तेल के कारण होता है। ये तेल की मात्रा जो बढ़ती है उसके कारण होता है। तो जिनके ड्राई स्किन है उसमें अच्छा सा जो निखार आएगा, लेकिन जिसका थोड़ा सा पहले से ही ऑयली स्किन है उनमें ये मुहासे सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गर्भावस्था में देखने वाले मुहासे बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, और वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कितना जल्दी सही होगा, ये बताना भी बहुत मुश्किल होता है। इसका एक अलग ही पैटर्न रहता है। और उसके अलावा किसी किसी में देखा गया है कि मुहासे बेहतर भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल त्वचा एकदम क्लियर हो गया हो और मुहासे जिनके थे वो भी कम हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों में बढ़ भी सकता है। तो घबराना नहीं, अगर आपके मुहासे हैं तो वो वैसे भी प्रेगनेंसी के बाद चले ही जाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा है और ज़्यादा परेशानी कर रही है तो हम कुछ सेफ दवाइयाँ दे सकते हैं इसके लिए। लेकिन याद रखिए कि कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले आप हमेशा अपने डॉक्टर को पूछ के और हमेशा डॉक्टर की राय लेके ही इस्तेमाल करना। और एक परिवर्तन जिससे महिलाएं बहुत तनाव में आ जाते हैं वो है स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादातर 6 से 7 महीने के बाद देखे जाते हैं, जब बच्चे का साइज़ बढ़ जाता है, जब बच्चे का वेट बढ़ जाता है, तब ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये शुरू हो सकता है। तो ये उन महिलाओं में देखे जाते हैं जिन्होंने बहुत अचानक से अपना वज़न बढ़ा दिया, या अगर उनके परिवार में उनके मदर के और बहन के भी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेच मार्क थे, तो ऐसे जो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हम बोलते हैं ऐसे महिलाओं में भी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क देखे जाते हैं। और जिनके ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क है ब्रेस्ट में और थाई में, उन पे भी ये स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा देखे जाते हैं। और माना जाता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में तो 90% महिलाओं में स्ट्रेच मार्क्स देखे जाते हैं। मैं स्ट्रेच मार्क्स में एक अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे हम इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, वो एकदम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो जब वो वीडियो मैं पब्लिश करूँगी उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिलेगा। एक और कॉमन चीज़ देखी जाती है पैरों की सूजन। तो बहुत सारी महिलाओं में पैरों में सूजन देखी जाती है, ज़्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब 8वें और 9वें महीने में ये ज़्यादा देखा जाता है। अगर थोड़ा सा ही सूजन है तो घबराने की बात नहीं है, एकदम नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका चेहरे में सूजन आ रही है, हाथों में सूजन आ रही है, और सुबह से जैसे ही आप उठते हो सुबह तब से ही ये सूजन दिखने लगती है, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें भी जांचने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर थोड़ा सा ही सूजन है पैरों में तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बाकी जगह पे भी अगर सूजन आ रही है तो वो आप अपने डॉक्टर को बताना ज़रूरी रहता है। तो ये सूजन नमक की रिटेंशन की वजह से, और जो भी हमारे बॉडी में नस होते हैं वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, वहाँ से पानी निकलने लगता है नस से, तो उसकी वजह से भी ये सूजन ज़्यादा दिखी जाती है। और उसके ऊपर क्योंकि बच्चा पेट के भाग में है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है वहाँ के बड़े बड़े नसों में, तो इसीलिए जो भी नस हमारे पैर से ऊपर की तरफ खून लेके जाता है उसमें थोड़ा सा प्रेशर पड़ने की वजह से खून धीरे धीरे ऊपर जाता है। इसकी वजह से भी माना जाता है कि सूजन आ जाती है गर्भावस्था के टाइम पे। हमारे नस में भी थोड़े से चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जो भी हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इसकी वजह से आपको लगेगा कि आपकी हथेली थोड़े लाल हो गई है, हथेली में छोटे छोटे लाल दाने हो गए हैं, वो भी नॉर्मल माना जाता है। और मसूड़ों में सूजन आ सकती है, मसूड़े थोड़े लाल हो सकते हैं, और ब्रश करते समय आपको लगेगा कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, और मुंह के अंदर के भाग और जीभ भी थोड़ा लाल दिखने लगती है, तो वो नॉर्मल माना जाता है। जो ग्लैंड्स
पसीना बनाते हैं उसका, क्योंकि एक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाती है, इसकी वजह से पसीना भी ज़्यादा आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो हथेली में और पैरों से पसीना आना, तलवे में और हथेलियों में ज़्यादा पसीना आना, या पूरे शरीर में ही ज़्यादा पसीना आना, ऐसे भी देखा जाता है। इसीलिए पानी खूब सारा पीना और प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। बालों में भी परिवर्तन आ सकता है गर्भावस्था के टाइम पे, तो बाल थोड़े लंबे हो जाते हैं, थोड़े घने लगते हैं आपको, थोड़े मोटे लगते हैं, और चेहरे में भी कभी कभी साइड लॉक्स के एरिया में, जो साइड के एरिया में और लिप्स के ऊपर, ऐसी जगह पे भी आपको लगता है कि बाल थोड़े मोटे हो गए और ज़्यादा दिखने लग गए, जिसको हम बोलते हैं फेशियल हाइपरट्राइकोसिस। तो वो भी नॉर्मल होता है, और एक बार प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए तो फिर वो नॉर्मल में आ जाता है, तो फिर वो पहले जैसा ही लगने लगता है। तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद बाल झड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि हॉर्मोन्स अचानक से कम हो गए, उसके वजह से बाल झड़ने लग सकते हैं। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए और इसका कैसे इलाज करना चाहिए, वो मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक करूँगी, आप आई कार्ड में प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हो। नाखून में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, जल्दी बढ़ने लगते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी काम कर रहे हो आप तब भी नाखून टूट गए, ऐसे भी होता है इसमें। और जब भी आप थोड़ा सा नाखून को छूते हो तो आपको लगेगा कि वो स्मूद नहीं है, लगेगा कि थोड़ा टेक्स्चर अलग है, छूने में थोड़ा अलग सा लगेगा, इतना स्मूद नहीं लगेगा, तो ये भी नॉर्मल होता है। और प्रेगनेंसी के बाद नेल प्लेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये था वीडियो गर्भावस्था में जो भी त्वचा में परिवर्तन देखते हैं उसके ऊपर। अगर आपको इससे संबंधित कोई और प्रश्न है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे त्वचा और बालों से संबंधित विषय अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स में भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। हमारा इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।